वाले वो है हमारे पास पीडी का लेक्चर नंबर वन। ये लेक्चर नंबर वन है फ्रेंड्स, इसके बाद हम काफी इसके लेक्चर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास जो लेक्चर है उसमें पढ़ रहे हैं फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फॉलोइंग। कोई हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमें निकालना है। तो पहले हम एक दिया हुआ है यू बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंड यू बराबर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। फ्रेंड्स पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में क्या अंतर होता है, सिंपली अगर हम देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव में होता है अगर हमारे पास जेड बराबर एफ एक्स एंड वाई दो तरह का फंक्शन है और अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स का, तो इस कंडीशन में हम वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, ये कॉन्स्टेंट रहेगा अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। बट अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका प्योर डेरिवेटिव और डेरिवेटिव डी जेड डेल जेड अपॉन डी जेड, तो उस कंडीशन में y जो है एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। यानी जब हमारे पास कहीं अगर y का हमें डेरिवेटिव करना होगा तो वहां dy अपॉन अगर x के करस्पोंडिंग करें तो dy अपॉन dx भी करना होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव में और डेरिवेटिव में। अब इसका हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास है u बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y। तो पहले इसका डेल u अपॉन डेल x निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो विद रेस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हम निकाल रहे हैं, तो यहां से ये हुआ डेल u अपॉन डेल x बराबर tan इनवर्स, tan इनवर्स से अगर हम लिखना चाहें तो टेन इनवर्स का क्या होगा, पहले इस पूरे टर्म का करना होगा, टेन इनवर्स का क्या होगा वन अपॉन वन प्लस और ये टर्म, यानी टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव फुल डेरिवेटिव देखें तो ये होता है हमारे पास वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस टर्म का जो अंदर वाले टर्म है इसका निकालना है, तो इसका डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, अब ये निकालना है हमें। तो अब ये निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यू अपॉन बी वाला कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास डेल डेल यू अपॉन बी, सॉरी फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला तो डी ओवर डी एक्स और यू अपॉन वी हो। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो होता है हमारे पास फ्रेंड्स वी को छोड़ के डेल अपॉन सॉरी यू को छोड़ के, पहले यू को छोड़ते डेल वी अपॉन डेल एक्स या डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी को छोड़ते डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला लगता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये कर रहे हैं, तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा हमारे पास ये टर्म तो नीचे की लिखी जाएगी, इसको हम अगर लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई को ऊपर ले गए और एलसीएम लेके क्या, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं हम पहले u को छोड़ा है ना x स्क्वायर, फिर इसमें उल्टा है, पहले v को छोड़ते हैं बाद में u को छोड़ते हैं, ये होता है। तो पहले हमें v को छोड़ना है, तो x प्लस वाई को छोड़ा हमने और इसका डेरिवेटिव किया, तो डेल u डेल अपॉन डेल x और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब इस बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ा और डेल अपॉन डेल वाई एक्स प्लस वाई और नीचे आ गए हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां से ये हो जाएगा, यहां पे भी स्क्वायर आएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये है ही एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई को तो छोड़ा, इसका अगर हम देखें तो इसका अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, और चूंकि पार्शियल है तो इस कंडीशन में y जो है एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, तो ये 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे तो इसका विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये x का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये जो 0 हो जाएगा इसका तो उसको करना ही लिखना ही नहीं है हमें, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कट सकता है यहां से, तो ये हमने काट दिया। और इसको आगे हमने लिखा सॉल्व करके, तो अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास टू एक्स स्क्वायर में से ये गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो सॉल्व करने पे ये आ गया। अगर अब हमें डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने के लिए हम फ्रेंड्स इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर एक्स की जगह वाई पुट कर दे तो ये इक्वेशन है पूरी वही चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है तो सिमिलरली इसी तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा, जहां एक्स है वहां पे वाई आ जाएगा, जहां वाई है वहां पे एक्स आ जाएगा, और वो प्रोसेस चल के इस सॉल्यूशन में था एक्स है वाई आ जाएगा, जब वाई है वाई है एक्स आ जाएगा। तो अगर यहां देखें तो एक्स देखे वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा प्लस टू वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका डेल यू अपॉन डेल वाई को हम इजीली निकाल सकते हैं इस तरह से। सेकंड केस है हमारे पास अगर यू बराबर कोस इनवर्स एक्स अपॉन वाई हो, तो उस कंडीशन में u बराबर है हमारे पास cos इनवर्स x अपॉन y, u बराबर cos इनवर्स x अपॉन y। तो अब डेल u अपॉन डेल x निकालते हैं पहले विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास बस cos इनवर्स x का क्या होता है d ओवर dx ऑफ cos इनवर्स x का अगर हम निकालना है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा कोस इनवर्स का कोस इनवर्स एक्स अपॉन वाई का लगा रहे हैं, तो हमारे पास माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई का भी निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन, ये वेरी नीचे सेम है वन माइनस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर। अब एक्स अपॉन वाई वाई जो है एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली वन अपॉन वाई। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई फ्रेंड्स, ये वैल्यू आई है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई की। अगर इसको हम और सोल्व करना चाहें तो ज्यादा ज्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं माइनस वन अपॉन इसका एलसीएम लेके ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, और नीचे जो वाई स्क्वायर आएगा रूट में उसको हम बाहर लेंगे तो वो वाई बाहर वाई आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा रूट सॉरी वाई स्क्वायर। अगर जब इस रूट से बाहर लेना है इसको तो ये बाहर हो जाएगा ओनली वाई जाएगा, और वाई वन अपॉन वाई इस वाई से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ गए हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स।
बट इस केस में भी नहीं कर सकते कि x लेकर y पुट करते, क्योंकि x लेकर y पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो इक्वेशन चेंज हो जाती है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाती है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि x सिमिलरली, जैसे मैंने इसमें बोला था कि सिमिलरली x लेकर y पुट करो और सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पर ये इक्वेशन चेंज हो जाता है।